सभी का मेरे और एक नए वीडियो पर। तो आज मैं पहुंच रहा था विंटर फेस्टिवल पे। सो आज डे सेकंड है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ इस फेस्टिवल को भी एक्सप्लोर कीजिए, देखते हैं इस फेस्टिवल में क्या है। तो इसका जो स्टार्टिंग वीडियो था वो मैंने अपने जो हुसैन कपूर चैनल में उसमें डाला है, तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसका जो स्टार्टिंग है, सेकंड डे स्टार्टिंग, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ और इस फेस्टिवल को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए आप चलते हैं इस फेस्टिवल के अंदर। ना कौन है तुम्हारे को टिकट बेचारा तो भाई। सो यहाँ पे टिकट को फाड़ दिया गया है दो हिस्सों में, तो अभी हम चलते हैं अंदर। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lie, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. Artificial love. अंदर एंड अभी शी वॉज वेटिंग इनसाइड। तो पार्किंग का भी फुल इंतजाम है, थोड़ा आगे आपको पार्किंग मिल जाएगा। एंड अभी जो मेन टिकट का गेट है वो हमने क्रॉस किया। अभी एक बड़ा सा यहाँ पर एक पंचर द विंटर फेस्टिवल का गेट लगा हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ कहेंगे आप? नहीं, मैं अभी नज़ारा देख रही हूँ, उसके बाद मतलब रिव्यू दूंगी। ओके, तो चलिए इस फेस्टिवल का हम करते हैं एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, ये है पंचरत्न विंटर फेस्टिवल का नाइट व्यू। हम लोग डे में एंटर हुए थे, लेकिन जब एग्जिट किया तो रात हो गया था। तो रात का ये नज़ारा है, रात में मैंने कैप्चर किया, तो आपको मैं रात का ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको डे का नज़ारा। तो ये है पंचरत्न विंटर फेस्टिवल का डे का नज़ारा, जो मैंने स्टार्टिंग पे लिया था। सो दिन में कुछ इस तरह से दिखता है, और रात में जो आपने देखा उस तरह का है। सो ये काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है। राइट साइड में ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र के किनारे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं शुरू एंड एंजॉय कीजिए इस वीडियो। वेलकम टू पंचरत्न विंटर फेस्टिवल हर पंचरत्न फेरी घाट। यहाँ पर फ्रूट्स का दुकान दिया है, वहाँ बच्चों के खेलने का भी इंतजाम है। तो बीच ऐसा बीच पर हो रहा है ये प्रोग्राम एट पंचरत्न घाट। तो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो है पंचरत्न ब्रिज, नारायण ब्रिज। हम पंचरत्न विंटर फेस्टिवल यहाँ पर, तो अभी फिलहाल थोड़ा खाली है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक फुल दिन का टाइम है ना, दिन का टाइम है, खाली है। अगर रात में आएंगे तो रात का नज़ारा कुछ यहाँ पर अलग सा होगा, बिकॉज एट नाइट यू कैन एंजॉय गुड प्लेसेस। साथ में नदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी है, एंड ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही साइड में ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। जो द्विजिंग फेस्टिवल जो आपने देखा होगा, तो सिर्फ उसी ठीक उसी के जैसा ही है, बट ये थोड़ा छोटा है। ओके, तो आइए हमारे साथ एक्सप्लोर कीजिए। तो रात का नज़ारा कुछ और होगा, हम आपको कोशिश करेंगे रात को भी दिखाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट मेगा ट्रेड फेस्टिवल 2022 हो रहा है, चल रहा है, देखते हैं अंदर क्या है इसके अंदर। सो एक ब्यूटीफुली गेट यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, लेट्स सी इनसाइड। सो एक्सपो में ठंड बहुत है, सो ब्लैंकेट एंड यहाँ पर कुछ अस्त्र शस्त्र, अगेन क्लोथ्स यार, दिस सेल ऑल इन 450 रुपीज़। सो एक्सपो का मज़ा ये है कि हर चीज़ आपको थोड़ा लेस प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो क्लोथ शॉप्स ऑल ओवर हियर इन एक्सपो, हियर इन विंटर फेस्टिवल ऑफ पंचरत्न। सो यहाँ पर फूड स्टॉल भी है, वहाँ फर्स्ट साइड में आपको कपड़ा वगैरह स्टेशन मिल जाएगा, यहाँ पर फूड स्टॉल है। सो वेरियस टाइप ऑफ फूड्स विल गेट हियर। सो आइए फेस्टिवल में खाइए, एंजॉय कीजिए। सो बिल्कुल अच्छे तरह से एंजॉय कीजिए। एम्बो का बना हुआ है, सो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल हियर। सो दिस इज़ मील्स ऑन व्हील्स, इस बस का जो वीडियो है आप मेरे इस चैनल पे मिलेगा आपको। सो यहाँ पर आपको बस के अंदर एक रेस्टोरेंट है, वो भी आपको मिल जाएगा। सो एक अलग तरह का इंजॉयमेंट आपको यहाँ पर देने का कोशिश किया गया है, आप आके इजीली यहाँ पर फूड इंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्रूजर ATV, यहाँ पर इसका भी राइड आप ले सकते हैं 100 रुपीज़। थोड़ा यहाँ पे आपको घूम के आना पड़ेगा, खुद चलाना पड़ेगा, ये लोग आपको डेमो दे देगा तो आप चला सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक बार ट्राई करके देखता हूँ। आपका है, आपका है ये मेरा। तो कुछ बोलेंगे इसके बारे में? लेके आना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ पे आई? वही अभी सब लोग आए आ रहे हैं, अभी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास सब लोग ही चला रहे हैं अभी, मतलब अब वो कर रहे हैं, मतलब एक बार चला के देखता हूँ इसको।
सो यहाँ पर एक बैम्बू का ब्रिज बनाया हुआ है ब्रह्मपुत्र का, थोड़ा नजारा एंजॉय करने के लिए थोड़ा आगे जाके आपको ब्रह्मपुत्र का थोड़ा नजारा आप देख सकते हैं, वहाँ के थोड़ा व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्रिज में भी जाके हम एंजॉय करते हैं। सो बैम्बू का बनाया हुआ ब्रिज, नो टेंशन, आप आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। So if you are chicken tikka lover, if you are barbecue lover, so उसका भी इंतजाम यहाँ पर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक फ्रेगनेंस का एरोमा आ रहा है बर्बीक्यू का, देख के तो लग रहा है आप लोग धुआं देख रहे हैं, धुआं आप देख रहे हैं पीछे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसा है ये। वेल यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं चिकन बर्बीक्यू का, तो उनमें से ये एक स्टॉल है और इसमें चिकन को ग्रिल किया जा रहा है और काफ़ी इसका जो फ्रेगनेंस है एरोमा आ रहा है, दूर से आपको खींचे लाएगा यहाँ पर इस बर्बीक्यू के स्टॉल में। सो चलिए हम अभी आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है इस मेले पे। सो आपको अगर यहाँ का पीठा खाना है, असम इसका जो ऑथेंटिक इथनिक फूड है पीठा, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा काफ़ी चीप प्राइस में। वन काइंड ऑफ केक और विच इज मेड ऑफ राइस पाउडर और समथिंग राइस पाउडर, उसको उसके लिए असम में फेमस है पीठा, असम में फेमस है हर तरफ का, नारियल का पीठा हो या हम भापा पीठा कहते हैं, पुली पीठा कहते हैं, काखिर पीठा कहते हैं, सीमा पीठा कहते हैं, सब यहाँ मिल जाएगा आपको। सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, वो पीठा का ही नाम है, हम लोग पीठा को सीमा पीठा कहते हैं। Okay. कोई भी कोली पीठा भी बोलता है, हम लोग सीमा पीठा कहते हैं, मतलब जगह जगह पे दूसरा दूसरा नाम होता है। तो आके यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल टाइप्स ऑफ पीठा। आप लोगों का मतलब वैरायटी ऑफ फूड है यहाँ पे, आप लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम बारबेक्यू, पिठास, भुट्टा एंड जो नॉर्मल जो चाट का शॉप है वो तो है ही, हाँ। पानी पूरी वगैरह फ्रूट्स का भी स्टॉल लगाया गया है यहाँ पर। यहाँ पे टी एक चा घर मतलब टी हाउस भी है, आप लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर काफी बड़ा एरिया है, इसलिए जगह जगह बैठने का इंतजाम किया गया है। अगर आप थक जाएंगे तो यहाँ पर जैसे छोटे छोटे हाउस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइव स्टेज प्रोग्राम होने वाला है, तो मेन अट्रैक्शन है शायद मलिया, कितने वो 1 तारीख को आना है शायद मलिया, सो सब यहाँ पे आए एंजॉय करेंगे शायद मलिया के साथ। तो यहाँ पर बीच में हार्ट बनाया हुआ है नारियल के पत्ता या खेजूर के पत्ता से, तो देखने में काफ़ी अच्छा एक आर्टिफिशियल बीच लुक दिया गया है और लाइट्स भी धीरे धीरे ऑन हो रहा है, सो अभी लोग भी बढ़ रहा है, अच्छा लगेगा अगर फुल रात हो जाएगा। यहाँ जगह जगह यहाँ पर डस्टबिन बनाया हुआ है, सो यूज डस्टबिन एंड हैंडल इट केयरफुली। तो अभी इस फेस्टिवल में घूमते घूमते थोड़ा चाय पानी हो जाए, तो यहाँ पर एक छोटा सा चा घर है एनर्जी बूस्ट करने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए हम चाय पियेंगे, अभी कूलर में चाय पियेंगे और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। फिर अंधेरा हो रहा है और लाइट्स ऑन हो रहा है एंड अभी थोड़ा चमक आ रहा है, इस चमक रहा है ये फेस्टिवल, चमक ही होता है लाइट, किसी भी प्रोग्राम का या मेले का डे व्यू एक्स्ट्रा होता है और नाइट व्यू सबसे अच्छा होता है। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम करते हैं बैन, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेरा पहला चैनल है निकी बैन मो एंड मेरा एक नया चैनल है हुसैन कपूर जहां SMS ब्लॉग्स चल रहे हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम करते हैं बैन, बाय बाय, गुड नाइट।